भ्रमण करने पानी गिर गया था रात में, तो थोड़ी फसल देखेंगे, सो तो नहीं गई है। तो चलिए देखते हैं आज फसल का कार्यक्रम है। तो भाइयों हम आ चुके हैं खेत के अपने नज़दीक, और यहाँ पे और पड़ोसियों की फसल तो फिलहाल अभी ठीक है, सोई नहीं है, गेहूं जो है सोई नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ पे मतलब सही है। और मटर को क्या है, मटर को थोड़ा नुकसान है, गेहूं को तो फायदा ही है, तो बाकी हम बता ही रहे हैं जी मेड़े हैं। तो गाइस हम खाएंगे अब बेल, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े बेल लगे हुए हैं खेत पे पड़ोसी के, बड़े ही मीठे हैं, मजा आ रहा है यहाँ, बड़े खट्टे हैं नींबू जैसे हैं, थोड़ी दूर दूर लगे हैं, एक आध दो की व्यवस्था तो हम बना लें। तो गाइस बस अब हम खाएंगे, बहुत खट्टे हैं यानी सही नहीं, बड़े मीठे हैं वो आप देख रहे हो, बहुत मीठे हैं। पड़ोसी के खेत देखो निपट गए, यानी मटर जो वो भी थी कट पिट के थ्रेसर हो गई, बहुत सारा खाया केवल उस लोगों की रखे। ये देखो आपने तो भूसा देखो नहीं लिया मटर को, भूसा को ढेर बगल हुआ है पड़ोसी को, और कछुजन को तो अपना खेत देखो मटर निकल आई थ्रेसर हो गई, भूसा डबका सब होगा, जुताई हो गई, और यहाँ पे मूंग उग जाएगी, इस सीजन की मूंग वो जाएगी। चलो मैं खेत बताऊ से मैं चाचा के यहाँ। तो देखो भैया जो अपने दीपक चाचा जी का खेत है, इनकी भी जो अनाज है गेहूँ किसी आएगी कटानी के, मतलब अभी 15-20 दिन में कट सकते हैं। और भैया पानी गिर गया तो और बढ़ते हैं 5-6 दिन, तो आपने खेत से बिल्कुल लगवाई है इनको खेत चाचा को, इनकी देखो ये बगल वाले पड़ोसी की सरसों खड़ी है अभी केवल, और लोग अपना आ गए हैं अपने खेत में, देखो अलग दिखाने लगो हरो भरो, अब तार में से खुल के तना खुल के आ गई है। जो देखो भैया अपना खेत है हरो भरो है अभी, कछु जी चना कड़े आई मैं देखो। तो भैया खेत तो अपना बढ़िया है, ये बार थोड़ी पता है तुम्हें तो अनाज दोबारा बोवा था जो खराब हो चुकी थी पिसी, लेकिन भगवान की देन से ठीक ठाक हो गई है अब। तो भाइयों लोग हम आ गए हैं अपने खेत पर, और ये आप देख ही रहे हो गेहूँ पहले सही नहीं थे लेकिन अब फिलहाल में ठीक हो गए हैं भगवान की देन से, और ये देख सकते हो कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, जो बीच में पहले की फसल थी वो आने ही वाली है, 15-20 दिनों में पानी गिर गया थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, छोटी है, दूसरी बात ये बिल्कुल हरी भरी है, ठीक है। ये लो भैया जा है मेड़, मेड़ तो तुमने देखी नहीं हिज्जे को, आप देख लो, और आज चाचा हैं अजय का ये खेत है, ये भी मतलब लगभग कटाई हो गई है, लेकिन थोड़ा क्या है पानी गिर गया उसमें सब नुकसान करते, थोड़ा बहुत नुकसान, लेकिन गेहूं को तो बहुत फायदा है, देखो अमृत वर्षा है। तो भैया हम आ गए हैं अपने खेत पे, और जी बालें देख रहे हो बिल्कुल भुजन लगी अब, यानी पक गई हैं, आपको हमने शुरू से एंड तक वीडियो बताई है, जैसे जुताई भई फिर बुवाई भई फिर कटाई सकती बताएं बता दें, तो कर नहीं बता रहे कि तुम चले जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो पूरी बताएं, व्यू लाइक कमेंट शेयर आवे चाहे नहीं, लेकिन वीडियो बराबर रहे, समझ रहे, हार नहीं मानने अपन, हार नहीं मानेंगे जब तक बहुत सब्सक्राइबर नहीं हो जाए, व्यू नहीं हो जाए। देखो फसल तो बढ़िया हो गई है, कि जब तक पानी छूट गया तो देखो ये छूट गया तो उस दिन पानी आपको वीडियो में बताइए थे वो तो अलग पीलो होगा, यानी आ गई पीसी बिल्कुल सूख गई है, और बाकी तो पानी डुबका है, भगवान ने दे रहा पानी, भगवान ही बराबर आए थे, अब चल रहे हैं अपन नजदीम नजदीम,
जाएगी दादी आई हूँ यहाँ जैसे भी कटाई नहीं करा तो भी केवल मटर तोड़ा थे रखा थे केवल समझ रहे जी। देखो जी करपा धरी है पूरा आए हूँ जी सबसे जी मतलब अंदर से गीले गीले हो गए अभी सब फेंक जाओ। अरे भैया जी मम तनक मटर भाई थी खा भी ला बात तो मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी तो जी डठुआ लगी देखो सरसों की और जो अपनी देखो मटर है थोड़ी बहुत तो जी काट दिया मम्मी ने सब यहाँ पे सही है इसको भी पलटना पड़ेगा नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा। और जी देखो अपने जो बड़े पापा हैं उनकी ये मटर थी तो देखो कैसी सो गई है बिल्कुल नुकसान हो गए अनाज भी किस जगह सो गया लेकिन ठीक है ज़्यादा नहीं सोया अनाज अगर अब की बार पानी गिर जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा इसलिए भगवान से दुआ है कि अभी नहीं पिछी कर जान दो फिर दनादन दियो पानी ठीक है फिर दनादन घाम काड़ने उन्हें भून देने आदमन हो केवल घाम दुपाई काड़ के। अब जब इनकी देखो हम इनके संग बड़े पापा के संग वापिस ही गई थी अपन ने बगल भाई सुबह बा और जब इसी एक सी यानी हरी भरी है अभी बाकी जब इसी आदि आ गई है ठीक है जो बड़ा बड़ा मग्गा खड़ू है तो मग्गा को अभी टाइम है नहीं है तो अब नहीं देखने अपन को देख ले बहुत खतरनाक चीज दिख गई डरा गए हम पता नहीं क्या था गोरा था कि बड़ा कीड़ा था डर गए का एक के आ गए कोई बात नहीं जय श्री राम। हाँ मेन चीज तो आप जो देखने आए हैं वो तो दिखाई नहीं मैंने ये देखो आप ये पिसी हो गई ऐसी देख रहे आए हैं वो आपको हम जरूर बताएंगे। हम आए थे पिसी देख रहे का कल बहुत मौसम खराब है तो लगभग 10:30 बजे रात में इतना तेज पानी गिरो बादल बहुत खड़ा रहा तो खतरनाक इनको खड़ा करो तो पिसी केवल एक ही दो जगह है ऐसी तो लेट गई है सुबह तो कटाई में बहुत दिक्कत आ रही है और पिसी भी खराब होती है अनाज खराब होता है तो देख सकते हो आपकी कैसी लेट गई है पिसी इतना कि जितने ज्यादा बड़ी हुई है या ज्यादा हवा को प्रेशर डाल उसे होते देख गई समझ रहे जितने जब बड़े पापा की जब पिछिए जा भी सो गई बहुत दिन सो गई है इसलिए सो गई है और बाकी पिसी ठीक ठाक है कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं है होली तक कटाई पिटाई हो जाए सब। जो किसान हमारी वीडियो देख रहा होगा वो ही बता सकता मेरा ये कि जो हमारा जो खेत है इसमें कहीं कहीं जगह थोड़ा छोड़ छोड़ के गैप और लगभग हरी की जगह ए बाल आई है जी मतलब ये कौन सी दिख रहा है आपको ये सफ़ेद बाल कहीं कहीं सफ़ेद बाल है बहुत से खेत में आपको दिख रही है सफ़ेद तो केवल वही किसान ही बता सकता है ये कौन सी मतलब इसी का क्या नाम है मुझे तो पता ही है लेकिन फिर भी आप बता सकते क्योंकि इसमें मैंने मिक्स किया था वो तो बाकी आप कमेंट में बता देना कौन सी पिसी है ये जो सफ़ेद हुई है बीचों बीच और यहाँ पे देख सकते हो डठुआ तो दिख ही रहा जो और डठुआ तो अपन ने देखी नहीं है जब देखे समझ रहे तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है और चल रहे ना कुताएँ बेल खाया अगर बेल लगी हुई है तो देखो भैया आ जाए कि दादी बे उतर मटर करपा पलट रही हैं क्योंकि गीले होगा बे दिखा रही बे ऐसे तो दिखे नहीं काय के उधर बहुत सरसों लगी है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई को खाना पीना जो थ्रू है यानी दादी की अजय की दादी से भाई बोलते हैं जो भी देखो इधर इनके ये जवा लगे तनक मनक तनक से और जी देखो भैया अपन आ गए भैया सेक्टर पे जैसे ट्रैक्टर चला सेक्टर पे ट्रैक्टर तो भैया जी देखो इतनी नुकसान होगा तो बड़े पापा के खेत को कहा कि ऐसे जो रोड डलू तो मट्टी हटी थी तो फिर तो भाव नहीं है पानी भर गया तो और बाकी आप नहीं तो देख सकते हो कि बाकी का फसल बहुत शानदार है सभी की शानदार है भगवान की देन है भगवान जी बैठे विराजमान है मिलो इंजा माए बब्बा बोलते हैं हम लोग इन्हें वो ही रक्षा करते हैं फसलों का अगर नहीं भी आए तो सब जानवरों की भी रक्षा करते हैं। कई कई जगह देखो तो आप जी सो गई है पिसी समझ रहे ये भी यहाँ पे सो गई है और यहाँ पे पिसी सही नहीं हुई है बिल्कुल पतली बाल आ गई पानी के कारण आई हुई है जो के कारण खाद बीज के कारण और सोती जा रही है सही नहीं हुई है यहाँ पे पिसी और लेकिन ठीक है जितना है उतना ही ठीक है। तो गाइज हम आ गए हैं अब कहते बेर के बेरी के पेड़ तो दिखा रही हूँ बेरी तो तुमने कभी देखी नहीं जी ठीक है तो हम चल रहे हैं बेर खावे तो
हम सोच रहे हैं कि एक आध इंस्टा की वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन एक आध ही बनाऊँ ना, ज़्यादा वीडियो अपन को नहीं अपलोड करने का टाइम नहीं है इतना। बाकी ये थे कि पीसी आप खुद बचा सकता, अगर किसान हुई हो देखो कितनी बेकार पीसी हो गई, मतलब इतनी इतनी सी बाल निकली हैं छोटी छोटी ही, कोई मतलब की नहीं है समझे। जी पानी के कारण और डेट बुवाई के कारण हुआ है। वहाँ पे देखो इन्होंने जवाब दिए थे बड़े पापा ने, तो यहाँ जवाब हुआ। अब दूसरी बात आओ, बीर खा भी आए हम, बीर खा भी आए हैं जी, आ गए हैं बीर खा भी। लेकिन बीर पहले हम देखें डरे, इसके बाद ऊपर के भी नुकसान करेंगे यानी तोड़ेंगे हम। तो पहली बात तो बीर डरे हैं क्योंकि कल गिरा था पानी और पानी की बूंदों से गिर गए बीर, तो फिर हम खाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे। हाँ तो मुंह में पानी तो आने ही लगा होगा बीरों से, मुँह में कंकड़ आ गए, मिट्टी छप गई गाय, जे भी लगे बेर। देखो बेर बहुत लगे हैं, डरे हैं, देखो तोड़ना नहीं है, किसी की फसल नुकसान नहीं होनी चाहिए समझे, अपनी जैसी सबकी फसल को समझना चाहिए। मटर तो मीठी लगी लेकिन कुल आ गई भाई, जब देखो भैया मटर डरी थी अब कट पिट के, और पानी गिरेगा कल रात में, परसों भी गिरू पानी, कछु उड़ गए हैं, कछु जो धरे हैं तो जी भीतर से नमी मिली तो ये काहे कुरा गए हैं, तो बड़ी ही समस्या है। और कैसे जब मटर मिलने खा भी, और दूसरी बात जो सरसों धरी है देखो जा भी खराब हो गई, राई भाभी अब गीली होगी, टाइम लगे तनक तो बाकी खेत तो ठीक है, हमने देख लो तो अब तक घर पाई भ्रमण हो जाए। बताइए अगर कैसी लगी मटर की कोसें, एक आध दो टूल ने खा के घर लेने, एक आध दो खा जाए रास्ता में। बाकी देखो सब देख लें, बेर खा लें, गेहूँ देख लें, राई देख लें, मटर देख लें, बेर देख लें, मक्का देख लो, तो गोयरो हतू गोभी देख लो। भैया बताइयो कि गोयरो कैसो लगू, गोयरो नहीं देख पा रहे तुमने बल्कि हम डरा गए थी, और बताइए पीसी कैसी लगी, और अपने विचार पे कट कर दो। जो किसान है जो हमने सवाल पूछो तो कल भैया जो किसान है वो नहीं भी है तो अभी बताइए कि पीसी जो भूमि थी उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद पीसी और भी है कई जगह, तो वह कौन सी पीसी है, यानी पीसी के भी अलग अलग नाम है तो कौन सी पीसी है, वह कौन सी गेम है जरूर बताइए, और जब वीडियो हमें जरूर बताइए। और हम जाए घर 3 बजे का, कोई मार्केट घूमने जाएंगे, और इसके अलावा पहले तो हम इसका पार्ट बनाएंगे, और भी हम आज कुछ हो सकता है आज एक रिश्ते ड्राइव में जाने तो हम वीडियो भी और बना दिए। हम जब तक हमें इतनी वीडियो मिले, जय जवान जय किसान और जय जय श्री राम।